सो हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी को ज्ञापन एकेडमी के इस नए वीडियो में। और आज हम लेकर के आए आपके प्रॉस सेक्शन का चैप्टर नंबर 3। तो समझने के लिए हो जाइए बिल्कुल फ्री, क्योंकि यह चैप्टर बहुत ही जॉयफुल साबित होने वाला है, बहुत ही आनंद भरा चैप्टर है। तो चलिए बिना देर किए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ए पिंच ऑफ स्नॉफ, जिसको हिंदी में कहते हैं चुटकी भर खैनी या चुटकी भर की समस्या। अब आप कहेंगे कि इस तीसरे चैप्टर का नाम ए पिंच ऑफ स्नॉफ, जिसको हिंदी में कहते हैं चुटकी भर खैनी या चुटकी भर की समस्या, इस चैप्टर का नाम ए पिंच ऑफ स्नॉफ क्यों पड़ा? तो मैं बता रहा हूं, देखिए ये जो चैप्टर है ना ए पिंच ऑफ स्नॉफ, ये एक बहुत बड़ी समस्या पर बेस्ड है, ठीक है ना। यह एक शॉर्ट स्टोरी है जो मनोहर मालगोंकर जी के द्वारा लिखा गया है। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या पर बेस्ड है, जो यूं चुटकियों में उस समस्या को हल किया जाता है। तो चलिए बिना देर किए समझते हैं। देखिए ए पिंच ऑफ स्नॉफ, जिसके राइटर या हिंदी में कहिए रचयिता या रचनाकार या फिर लेखक, तो है मनोहर मालगोंकर। कौन है? मनोहर मालगोंकर ए पिंच ऑफ स्नॉफ के राइटर है। देखिए आपको ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है, कि ए पिंच ऑफ स्नॉफ के राइटर कौन है, हु इज द राइटर ऑफ ए पिंच ऑफ स्नॉफ, ठीक है ना। तो आप कहेंगे कि मनोहर मालगोंकर इज राइटर ऑफ अ पिंच ऑफ स्नॉफ। ए पिंच ऑफ स्नॉफ एक शॉर्ट स्टोरी है। क्या है? एक शॉर्ट स्टोरी है। अब बात करते हैं मनोहर मालगोंकर जी के बारे में कुछ। तो यह एक इंडियन फिक्शन एंड नॉन फिक्शन, बोले तो काल्पनिक और अकाल्पनिक ऑथर है, लेखक है। ए बिग गेम हंटर है, यानी एक शिकारी भी रहे, एक सिविल सर्वेंट भी रहे और एक किसान भी रहे, फार्मर, ठीक है। अब थोड़ा सा इनके बारे में और समझ ले। इनकी अगर जन्म की बात करें तो 12 जुलाई 1913, जो कि मुंबई में हुआ था। अगर इनकी मृत्यु की बात करें तो 14 जून 2010 उत्तर कनाडा में हुआ था, ठीक है। इनकी कुछ किताबों की बात करें तो डिस्टेंट ड्रम, द प्रिंसेस, ए बैंड इन द गैंगस, बॉम्बे बीवियर और एक शॉर्ट स्टोरी जो ए पिंच ऑफ स्नॉफ है, इन्हीं के द्वारा लिखी गई है, द प्रेजेंट शॉर्ट स्टोरी अ पिंच ऑफ स्नॉफ। तो चलिए यहां तक आपको मोटा मोटी कुछ जानकारी हम आपको दे दिए। अब इसको ये जो अपने कहानी में लिखे हैं, ठीक है ना, तो इसको वन बाई वन करके प्रत्येक लाइन को हिंदी में करके समझते हैं, फिर आपको देखिए कितना मजा आने वाला है। फाइनली यहाँ से आपका ए पिंच ऑफ स्नॉफ नाम का जो चैप्टर है उसका पैराग्राफ यहाँ से शुरू होता है। तो देखिए पैराग्राफ वन में क्या दिया हुआ है, इसके प्रत्येक लाइन को हम लोग हिंदी में करके समझेंगे, ताकि हम लोग का पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। तो पैराग्राफ वन जो है इसमें लिखा है, मदर अनाउंसमेंट शुक मी, माँ की घोषणा ने मुझे झकझोर दिया, मुझे हिला दिया। अब बात आती है कि शुक का प्रयोग यहाँ पर क्यों हुआ है। तो देखिए शेक जो है ना, शेक शेक मतलब होता है हिलाना। आप दवा के भी बोतल पर लिखे हुए देखिएगा, लिखा रहता है शेक वेल बिफोर यूज, यानी इस्तेमाल करने से पहले इसको पूरे अच्छे तरीके से हिला लीजिए। तो वहीं शेक का भर्ब टू फॉर्म है शुक, इसलिए लिखा है मदर अनाउंसमेंट शुक में, माँ की घोषणा ने मुझे हिला दिया। क्यों हिला दिया, कौन सी ऐसी बातों को लेकर? क्योंकि माँ जो है ना कह रही है कि नानू काका इज कमिंग, नानू काका आ रहे हैं, शी सेड। किसने कहा? माँ ने कहा, ठीक है। अब देखिए दूसरा पैराग्राफ में क्या है। अब जो है कि जब ऐसी बात जो है ना लेखक जब सुनते हैं तो कहते हैं ओ माई गॉड, हे मेरे भगवान, आई सेड। किसने कहा? मनोहर मालगोंकर जो लेखक है ना, ठीक है ना, वो कहते हैं कि ओ माई गॉड, कुड नॉट वी सेंड हिम ए वायर सेइंग वी आर लिविंग दैट आई एम ट्रांसफर्ड और समथिंग। ओ माई गॉड, किसने कहा? लेखक ने कहा, क्या हम उसे यह कहते हुए तार नहीं भेज सकते थे कि हम जा रहे हैं या मेरा तबादला हो गया है या कुछ भी बहाना कर देना चाहिए? किससे कह रहे हैं? अपनी माँ से कह रहे हैं, अपनी माँ से लेखक कह रहे हैं कि क्या आपको ऐसे कोई एक्सक्यूज नहीं बना देना चाहिए, जब नानू का आ रहे हैं तो आपको बहाना बना देना चाहिए कि हम लोग यहाँ पर नहीं हैं, हम लोग का कहीं ट्रांसफ़र हो गया है या हम लोग किसी और काम में बिजी हैं, बोल देना चाहिए, कुछ भी, कोई बहाना बना देना चाहिए। तो अब देखिए तीसरा पैराग्राफ में क्या होता है। तीसरा पैराग्राफ में माँ कहती है नो डियर मदर सेड, नो डियर मदर सेड, यानी कि नहीं प्रिय, कौन कहता है? माँ कहती है। आगे देखिए ही मस्ट बी ऑलरेडी ऑन द ट्रेन, वो कहाँ होंगे? अभी वो ट्रेन में ही होंगे, ठीक है ना, वो ट्रेन पर चढ़ चुके होंगे, माने वो ट्रेन में ही होंगे। बिसाइड शी एडेड रीअसुरिंगली ही सेज ही कैन नॉट स्टे हेयर फॉर मोर देन 2 or 3 days, ठीक है। अब देखिए जो तीसरा पैराग्राफ है ना उसका हिंदी है, कह रही है
कि नहीं प्रिय, किसने कहा? मदर सेड, यानी माँ ने कहा, ठीक है ना। ही मस्ट बी ऑलरेडी ऑन द ट्रेन, वह पहले से ही ट्रेन में होंगे। बिसाइड्स, इसके अलावा, शी एडेड रीअस्यूरिंगली, ठीक है ना, इसके अलावा उसने आश्वस्त रूप से कहा, ठीक है ना। ही सेज ही कैन नॉट हेयर फॉर मोर देन 2 or 3 days, उसने वो कहा, ठीक है ना। जब माँ को अपने भाई से बात हुई रहती है, क्योंकि नानू काका क्या है, लेखक की माँ के भाई हैं, तो वो पहले से ही बात की रहती हुई है, ठीक है ना। तो वो माँ कहती है कि नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं है, वो ट्रेन में होंगे इस वक्त तो मैं मना करूँगी तो वो रुकेंगे नहीं, क्योंकि वो ट्रेन में ऑलरेडी हैं और वो बस पहुँचने वाले हैं, बस तुम्हें अब जाना है स्टेशन पर, रिसीव करना है, ठीक है। तो वैसे भी यहाँ पर आ रहे हैं तो मात्र 2 से 3 दिन के लिए आ रहे हैं, ठीक है। तो आप चलिए आगे देखते हैं, अगला पैराग्राफ है 4th, व्हाट ही इज कमिंग फॉर, ठीक है ना। एक मिनट, मेरा कहने का थोड़ा सा सेंस थोड़ा सा और बदलना होगा। देखिए 4th पैराग्राफ में क्या करें, अब देखिए लेखक पूछ रहा है व्हाट इज ही कमिंग टू दिल्ली फॉर, वह दिल्ली किस लिए आ रहे हैं, इन दिस हीट, इस गर्मी में, ठीक है। तो अगला पैराग्राफ देखिए, अगला पैराग्राफ में माँ कहती है ही वॉन्ट्स टू सी सम मिनिस्टर, वो कुछ मंत्रियों से मिलने के लिए आ रहे हैं, ठीक है। अब 6 पैराग्राफ में देखिए, व्हाट डैट मीन्स ही विल बी हियर फॉर वीक्स, क्या, ठीक है ना, इसका मतलब, डैट मीन्स मतलब उसका मतलब, ही विल बी हियर, वो यहाँ रहेंगे फॉर वीक्स, सप्ताह भर। मिनिस्टर डोंट सी पीपुल फॉर वीक्स, मिनिस्टर तो सप्ताहों दिन किसी से नहीं मिलते हैं, और तो और महीने भी लग जाते हैं। ओ माई गॉड, ओ मेरे भगवान। अब चलिए अब अगला पैराग्राफ देखते हैं बिना देर किए, ठीक है। 7th पैराग्राफ देखिएगा, जरा एकदम बिल्कुल ध्यान से समझना है। इफ़ योर नानू काका वॉन्ट टू सी मिनिस्टर, ठीक है ना, यदि आपके नानू काका एक मंत्री को देखना चाहता है, ठीक है ना, तो आई एम श्योर, मैं एकदम बिल्कुल निश्चित हूँ, एकदम मैं श्योर हूँ कि ही विल मैनेज टू सी हिम, ठीक है ना, वो खुद से ही मैनेज कर लेंगे। मदर सेड, किसने कहा? माँ ने कहा, ठीक है ना। एनी टाइम ऑफ द डे और नाइट, वो रात या दिन कभी भी मिलने के लिए वो अपने खुद से ही मैनेज कर लेंगे, ठीक है। अब जो अगला पैराग्राफ है वो है मदर हैज ऑलवेज बीन वेरी लॉयल टू हर साइड ऑफ द फैमिली, माँ जो है हमेशा से, ठीक है ना, हमेशा से ही क्या है, वफादार रही है, हमेशा से ही पक्ष में रही है, टू हर साइड ऑफ द फैमिली, अपने परिवार के प्रति, ठीक है। मैं इसको हटा दूँ और फिर देखिए आगे, एंड और आफ्टर ऑल, आखिरकार नानू काका इज हर ब्रोदर, नानू काका जो उसके भाई ठहरे, किसके, माँ के भाई कौन है, नानू काका, ठीक है। मैं फिर इसको हटा दूँ और ताकि आगे पढ़ने में दिक्कत नहीं होगी। आई एम ऑन द अदर हैंड मे हैव समथिंग ऑफ ए कम्प्लेक्स अबाउट मिनिस्टर, ठीक है, दूसरी ओर मेरे पास मंत्रियों के बारे में कुछ जटिल विचार हो सकता है, और वो कौन सा विचार हो सकता है, वो देखिए आप इसमें कहना चाहते हैं। आई एम अंडर सेक्रेटरी, मैं मंत्रियों के नीचे, मैं अंडर सेक्रेटरी के पद पर हूँ, ऑन प्रोबेशन, प्रोबेशन के पद पर हूँ, एंड एज सच ट्रेन टू रिगार्ड मिनिस्टर एज बीइंग 2 स्टेप हायर देन गॉड, और हमें जो प्रशिक्षित किया गया है, हमें जो बताया गया है, उसमें ट्रेनिंग दिया गया है कि देखिए आप लोग जितने भी हैं ना, मंत्रियों को कभी भी भगवान से 2 कदम ऊंचा ही समझना है। देखें ये कौन बोल रहा है, ये आपके लेखक बोल रहे हैं, द सेक्रेटरीज बीइंग जस्ट 1 स्टेप हायर, और जो लेखक कह रहे हैं कि और तो और इसमें रह रहे हैं सेक्रेटरी जो हैं, यानी जो इस मंत्रिमंडल में जो भी सेक्रेटरी के पद पर आ रहे हैं, ट्रेड मिनिस्टर के पद पर आ रहे हैं, ये पार्टी के जो अध्यक्ष हैं, उनको कभी भी मंत्री तो कभी भी भगवान से 2 स्टेप ऊंचा ही समझना है मंत्री को, ठीक है ना। यानी ये मंत्रियों के प्रति ये प्रशिक्षित किया जा रहा है, सारे सेक्रेटरी को क्या किया जा रहा है, प्रशिक्षित किया जा रहा है, बताया जा रहा है कि मंत्री को कभी भगवान से 2 कदम ऊंचा ही समझना है, और जो रह रहे सेक्रेटरी है, यानी सभी सेक्रेटरियों को कहा जा रहा है कि और आप लोग को भगवान से 1 कदम अपने आप को ऊंचा समझना। और जो यहाँ अगला पैराग्राफ है वो है 8 पैराग्राफ को थोड़ा ध्यान से समझिए, ठीक है। 8 पैराग्राफ क्या कह रहा है, मैं अंडरलाइन नहीं करूँगा, आप ध्यान से समझते जाइए, मैं पढ़ रहा हूँ और इसका हिंदी समझा रहा हूँ, क्योंकि अंडरलाइन करने के बाद हो क्या रहा है कि थोड़ा सा हमको खुद समझाने में दिक्कत हो रही है। एनीवे, तो चलिए बिना देर के हम लोग इसको समझते हैं, मैं पढ़ रहा हूँ, देखिए। मदर हैज़ ऑलवेज बीन वेरी लॉयल टू हर साइड ऑफ द फैमिली एंड आफ्टर ऑल नानू काका इज हर ब्रोदर। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि माँ जो है ना, माँ वो हमेशा अपने परिवार के प्रति जो है ना वफादारी करते रही है,
आखिरकार आफ्टर ऑल मतलब आखिरकार नानू काका इज हर ब्रदर और क्यों न रहे। सोचिए अपने परिवार के प्रति वो वफादारी क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि नानू काका ऑलरेडी जो है ना माँ के जो है ना वो खुद भाई हैं, ठीक है, इसलिए वो अपने परिवार के प्रति वफादारी करती हैं और करती रहेंगी, ठीक है। अब आगे देखिए क्या है यहाँ पर, आगे है आई एम ऑन द अदर हैंड, ठीक है, यहाँ से देखिएगा, यहाँ से समझना है। आई एम ऑन द अदर हैंड मे हैव समथिंग ऑफ ए कॉम्प्लेक्स अबाउट मिनिस्टर, मैं दूसरी तरफ थोड़ा मंत्रियों के प्रति जटिल विचार रखता था, ठीक है, क्या रखता था देखिए, आई एम अंडर सेक्रेटरी, मैं एक उप सचिव हूँ ऑन प्रोबेशन प्रशिक्षण के तौर पर, एंड और सच ट्रेंड टू रिगार्ड मिनिस्टर, और मुझे प्रशिक्षित किया गया है, मुझे बताया गया है, मुझे समझाया गया है कि एज बीइंग टू स्टेप हायर देन गॉड, और बताया गया कि मंत्री को कभी भी जो है गॉड से दो स्टेप ऊंचा समझना है, द सेक्रेटरी बीइंग जस्ट वन स्टेप हायर, और जो सचिव हैं उसको भगवान से एक कदम ऊंचा समझना है, ठीक है। चलिए बिना देर के हम लोग अगला पैराग्राफ देखते हैं। अगला पैराग्राफ क्या है, आई वॉज वेटिंग ऑन द प्लेटफॉर्म, देखिए तो सबसे पहले आई वॉज वेटिंग, मैं इंतज़ार कर रहा था ऑन द प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म पर, वेन द ट्रेन केम इन, जब ट्रेन आई, ठीक है। अब आगे देखिए, जब ट्रेन आई नानू काका स्टूड, नानू काका खड़े थे इन द डोरवे ऑफ सेकेंड क्लास कैरेज, द्वितीय श्रेणी के डब्बे में। अब देखिए आगे, इसको मैं हटा दूं, यहाँ देखिए, स्ट्राइकिंग फिगर, एक प्रभावशाली व्यक्ति के रूप में, एक प्रभावशाली चरित्र के रूप में, वाइट हेयर्ड, उजला बाल, विथ एन इम्प्रेसिव मॉस्टिक, एक प्रभावशाली मूछ, ठीक है ना, आकर्षक मूछ, ठीक है ना, इंप्रेसिव मतलब होता है आकर्षक, आकर्षक मूछे थी, ठीक है ना, ये स्टिल वियर्स द ओल्ड फैशन नी लेंथ ब्लैक कोट, ठीक है ना। इसका हिंदी हुआ कि देखिए अब यहाँ पर क्या है कि ही स्टिल वियर्स, ठीक है ना, वो अभी तक पहनते थे, ये स्टिल वियर्स मतलब वो अभी तक पहनते थे द ओल्ड फैशन नी लेंथ ब्लैक कोट, ठीक है ना, पुरानी शैली की घुटने तक काला कोट, ठीक है। अब मैं इसको हटा करके आगे समझाऊं, एंड और द रेड सिल्क पगड़ी ऑफ द डिक्कानी ब्राह्मण, जो ब्राह्मण लोग लाल रेशमी कलर के जो पगड़ी बांधते थे ना वैसा वो पगड़ी भी बांधे हुए थे, एंड ड्रेस, ठीक है ना, और लपेटे हुए थे, ठीक है ना, ये वाइट अंगोछा, और तो और वाइट अंगोछा भी लिए हुए थे राउंड हिज शोल्डर, अपने कंधे के ऊपर, ठीक है। अब आगे देखिए अगला पैराग्राफ देखेंगे 10 नंबर, एज आई वेंट अप, जैसे ही मैं पहुंचा, ठीक है ना, मैं जैसे ही गया, आई वेंट अप, मैं जैसे ही गया, ही हैंडेड मी ए बास्केट, उसने मुझे एक टोकरी थमा दी, टेक दिस आउट, ले जाओ इसे, ठीक है ना, क्विक, तेजी से, यानी टेक दिस आउट क्विक, यानी तेजी से इसको बाहर लेकर के जाओ, ही व्हिस्पर्ड, हमारे कानों में धीरे से कहा, ठीक है ना, कौन कहा, नानू काका, आई विल ज्वाइन यू आउटसाइड द स्टेशन, मैं तुमसे स्टेशन के बाहर मिलता हूँ। अगला पैराग्राफ है, आई आस्क नो क्वेश्चन, आई आस्क नो क्वेश्चन, मैंने कोई प्रश्न नहीं पूछा, आई टक द बास्केट अंडर माई आर्म, मैंने क्या किया, टोकरी को अपने बाहों में लटकाया, एंड टर्न, और मैं मुड़ गया, ठीक है, ओनली टू बम्प इन टू एन इनर्मस मरवारी वुमैन हु हैड हर हेड कवर्ड इन बुरका, ठीक है, एक मोटी मरवारी से टकराया जो बुरका पहनी हुई थी, ठीक है। अब यहाँ देखें, बट माई अपलोजिस वी आर ड्रॉन, लेकिन टकराने के बाद तो मैं माफ़ी मांगना ही भूल गया, माफ़ी मांगना क्यों भूल गया भाई, देखिए अब क्यों, यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि जब मैं मोटी मरवाड़ी एक औरत से टकराया तो मुझे माफ़ी मांगने का याद ही नहीं आया, ठीक है, क्यों नहीं याद आया, तो देखिए मैं बता रहा हूँ, द स्ट्रेंज साउंड इमिनेटिंग फ्रॉम द बास्केट, एक अजीब सा आवाज़ टोकरी से आया, क्योंकि जब ये टोकरी लिए हुए थे और उस मरवाड़ी औरत जो बुरका पहनी हुई थी उसे जब ये टकराए तो थोड़ा सा उसको गुस्सा आया, और उस गुस्से के हालात में प्लस जब टकराने के बाद जब टोकरी से कुछ अजीब सा आवाज आया तो उस बीच ये माफी मांगने को भूल गए, ठीक है। अब आगे देखिए, द प्रोटेस्ट ऑफ एन आउटरेंस किटन स्पीड स्टॉप्स म्याओ म्याओ म्याओ, कैसा आवाज आ रहा था, म्याओ म्याओ की आवाज आ रहा था। अब यहां अगला पैराग्राफ है 12 नंबर, आई डक्ट मतलब मैंने कूदा एंड रेन और भागा एंड मिंगल विद द क्राउड और भीड़ के साथ मिल गया एंड एस्क्यूज थ्रू द गेट और मैंने क्या हुआ गेट के रास्ते भाग गया इन द वीक ऑफ सिख मैरिज पार्टी सिख विवाह के मद्देनजर में। तो फाइनली हम लोग यहाँ 12 नंबर पैराग्राफ तक समझ लिए। अब बीच में जो भी पैराग्राफ हैं जिसमें बकवास हुआ है सिर्फ
मतलब वो क्वेश्चन से रिगार्डिंग पैराग्राफ नहीं है तो हम लोग उसको बिना समझे स्किप करके आगे बढ़ें और उसी पैराग्राफ को टच करें और समझने की कोशिश करें जिस पैराग्राफ से क्वेश्चन उठाने की संभावना है। तो चलिए बिना देर के हम लोग 16 नंबर पैराग्राफ को समझते हैं बिल्कुल आराम आराम से। 16 नंबर पैराग्राफ क्या कह रहे हैं देखिए, सारी बात होने के बाद होता ये है कि वी गॉट इन टू द कार। देखिए यहाँ पर लेखक और नानू काका दोनों आदमी कार में बैठते हैं, यानी कि वी गॉट इन टू द कार का मतलब हुआ कि हम लोग कार में बैठे एंड और इवन बिफोर आई हैड चेंज इन टू सेकेंड गियर। लेखक कह रहे हैं कि जैसे ही मैंने सेकेंड गियर लगाया, नानू काका आस्क, नानू काका ने हमसे पूछा, व्हेन हैव यू अरेंज फॉर द मिनिस्टर टू सी मी, हमसे मिनिस्टर से मिलवाने की व्यवस्था कब कर रहे हो। कांट स्टे हेयर फॉर मोर देन टू डेज, मैं यहाँ दो दिन से ज़्यादा नहीं रुकूँगा और रुकूँगा भी तो ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन, 3 at the most। अब चलिए अगला पैराग्राफ देखते हैं। अगला पैराग्राफ है इट वॉज़ ए टाइम फॉर फ्रेंकनेस। ठीक है, अब यहाँ लेखक को खुल कर बोलने की बारी आ गई, मैंने खुल कर बोलने का एक अवसर मिल गया। लुक अंकल, देखो अंकल, आई सेड, किसने कहा, लेखक कहा, आई एम मेयरली एन अंडर सेक्रेटरी, मैं एक उप सचिव हूँ, ऑन प्रोबेशन, प्रशिक्षण के तौर पर, एंड और इट इज़ मोर देन माई जॉब इज़ वर्थ टू गो आस्किंग फॉर इंटरव्यू विथ मिनिस्टर, और ये मेरे बस का बात नहीं है कि मैं मिनिस्टर से जा कर के पूछूँ कि कोई आया है जो आपसे मिलना चाहता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं अगला पैराग्राफ क्या है। अगला पैराग्राफ हम लोग 18 नंबर पैराग्राफ को छोड़ दें क्योंकि मुझे नहीं लग रहा है कि इस पैराग्राफ से कोई फ़ायदा है। ठीक है, एक मिनट, तो अब चलिए हम लोग देखें नेक्स्ट पैराग्राफ, डायरेक्ट 19 नंबर पैराग्राफ। देखिए, अब ये सारी बातें हो रही थी कार में, जैसे ही घर पहुंचे लोग, मदर वाज वेटिंग ऑन द डोर स्टेप, माँ जो है ना दरवाजे पर इंतज़ार कर रही थी अपने बेटे का, अपने भगने का आने का। ठीक है, हर फेस रिथेड इन ए स्माइल, उनके चेहरे पर खुशी थी। शी वेंट इन टू स्क्वीज ऑफ डिलाइट ओवर द किटन, वो बिल्ली के बच्चा को देखकर खुशी से झूम उठी एंड मेड ए लॉट ऑफ फस ओवर नानू काका, और नानू काका को भी ढेर सारा प्यार दी। आई ऑल्सो फाउंड डैट शी हैड इंस्टॉल्ड हिम इन माई बेडरूम, और लेखक कह रहा है कि मुझे पता है कि इस मामा को, हमारे जो मामा आए हैं नानू काका, पक्का हम जिस रूम में सोते थे, उठते थे, बैठते थे, हमारे जो खाने पीने का जिस रूम में व्यवस्था था, इसी रूम में मामा को इंस्टॉल करेगी, इसी रूम में मामा को रहने खाने पीने का व्यवस्था करेगी। सो लेखक कह रहा है कि इसलिए, सो डैट, इसलिए आई हैड पुट टू ए चरपाई फॉर माई सेल्फ इन द बैक वरंडा, और इसलिए मैं घर के वरंडा में चरपाई बिछा करके अपना व्यवस्था कर लिया और सो गया। ठीक है, अब बिना देर के नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। अगला पैराग्राफ क्या है, एट मदर इंसिस्टेंस, माँ के जिद पर, आई हैड टेकन 2 days। देखिए यहाँ लेखक कह रहा है कि माँ के जिद पर मैंने 2 दिन का छुट्टी लिया, लीव फ्रॉम द ऑफिस, यानी ऑफिस से मैंने 2 दिन का छुट्टी लिया, एंड इन द आफ्टरनून, और दोपहर के समय, आई ड्रॉप नानू काका टू द नॉर्थ ब्लॉक, और मैंने दोपहर के समय अपने कार पर बैठा करके नानू काका को नॉर्थ ब्लॉक की तरफ लेकर के गया, नॉर्थ ब्लॉक की तरफ। ठीक है, ही वेंट इन टू सी मिनिस्टर, नानू काका उतरे और चल दिए मिनिस्टर से मिलने के लिए। ठीक है, एंड आई वेटेड इन द कार पार्क, और मैं पार्क में अपनी कार को लगा करके मैं नानू काका का इंतज़ार कर रहा था कि कब उधर से मिल करके आ रहे हैं। इट वॉज 2 hours, 2 घंटा हो गया बिफोर द रिटर्न, लौटे हुए। ठीक है ना, मम्बलिंग कलरफुल मराठी स्वियर वर्ड्स, अब नानू काका जब 2 घंटा के बाद लौट रहे हैं, ठीक है ना, तो गंदी गंदी गालियाँ, अनाप शनाप मराठी वर्ड में गलत सलत बातें बोलते हुए निकल रहे हैं। आई डिड नॉट डेयर आस्क हिम What had happened? मैंने नानू काका से कुछ नहीं पूछा, ठीक है, एंड ड्रॉप विदाउट सेइंग ए वर्ड, बिना कुछ कहे मैंने जो है ना गाड़ी को हाँक दिया, मतलब गाड़ी को स्टार्ट कर दिया, चला दिया। ठीक है, कहाँ तक हम आए जी, हाँ, अब यहाँ से ही कोल्ड डाउन इन ए लिटिल वाइल दो एंड सेड, और बिना कुछ कहे गाड़ी पर वो बैठे और उसने नानू काका भी कुछ नहीं बोला। ठीक है ना, और क्या, ही कूल डाउन इन ए लिटिल, कुछ समय बाद वो ठंडा पड़ गए फिर भी, एंड सेड, और उसने कहा, अब यहाँ पर नानू काका 2 घंटे के बाद जब उधर से लौट कर आ रहे हैं और गाड़ी में बैठ रहे हैं, और लेखक जो है बिना कुछ कहे, विदाउट सेइंग एनीथिंग, मैंने बिना कुछ शब्द बोले, बिना कुछ कहे, गाड़ी को जैसे ही स्टार्ट किया और चला, तो नानू काका बिल्कुल एकदम गर्म मिजाज में थे, बिल्कुल गुस्सा में थे उस वक्त
नानू काका कुछ देर तक गुस्सा में थे और ठंडा होने के बाद उन्होंने कहा, क्या कहा था, अगला पैराग्राफ में देखते हैं। अगला पैराग्राफ देखिएगा, 21 नंबर। 2 hours स्पेंड, 2 घंटा बीतने के बाद बींग ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन चपरासी टू अनदर, नानू काका अपने भगने से कह रहे हैं, पता है भगना, 2 घंटा हमको इधर से उधर दौड़ाया, कभी इस चपरासी से उस चपरासी, कभी उस चपरासी से इस चपरासी, ट्रैम्पिंग थ्रू द कॉरिडर्स, इस गली से उस गली, उस गली से इस गली, ठीक है ना, दौड़ाया, ठीक है। एंड इन द एंड, और अंत में सक्सीडेड इन गेटिंग डिप्यूटी सेक्रेटरी, और अंत में एक डिप्यूटी सेक्रेटरी से मुलाकात हुई, गिव मी एन अपॉइंटमेंट, उसने तो मुझे अपॉइंटमेंट दिया, 3 days फ्रॉम नाउ, बोला कि अभी से 3 दिन बाद आपको मंत्री से मुलाकात होगी। शेमफुल, शेमफुल, कितना शर्म की बात है, ठीक है। एंड देयर वॉज एनदर सर्विस ऑफ मराठी एक्सप्ले टिप्स, और उसने क्या किया, फिर से जो है जब अपने भगने से ये बात बता रहे थे, उसी वक्त मराठी में जो है ना कुछ अपने ही भाषा में कुछ फिर गंदी बातें बोल दी। इन ए लिंग्विस्टिक इमरजेंसी माई अंकल ऑलवेज टर्न टू हिज मदर टंग, यहाँ पर भगिना कह रहे हैं, लेखक कह रहे हैं इस पैराग्राफ में कि हमारे मामूजी है ना, जब गुस्सा होता है ना तो मेरे मामूजी को ही कौन कहे, मतलब कोई भी जो है जब कोई गुस्सा होता है ना तो अपने भाषा में आ करके और लगता है अनाप शनाप बोलने, ठीक है। तो आप चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं, बीच में जो भी पैराग्राफ होगा, जो बकवास वाली बात होगी वो छोड़ दिया जाएगा, और मेन मेन पैराग्राफ जिससे क्वेश्चन उठाने की संभावना है, जिसे क्वेश्चन का आंसर बनाने में काफ़ी इजी होगा, मैं उसी पैराग्राफ को समझाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि देखिए वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। बिना देर किए हम लोग अगला पैराग्राफ देखें, क्योंकि बीच में जो भी पैराग्राफ है वो मेरे हिसाब से उतना इम्पोर्टेंट नहीं था, इसलिए मैं डायरेक्ट 26 नंबर पैराग्राफ पर आ गया। और इम्पोर्टेंट की दृष्टि से देखा जाए तो लगभग सारे पैराग्राफ्स इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये कन्वर्सेशन टाइप पैराग्राफ है, ठीक है ना, बीच बीच में कौन सी बातें हुई है नहीं हुई है, ये सारा पैराग्राफ अगर इम्पोर्टेंट की दृष्टि से देखा जाए तो सब इम्पोर्टेंट है, लेकिन उसमें से सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है, जो क्वेश्चन के व्यू से इम्पोर्टेंट पैराग्राफ है, उसी को मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो चलिए हम लोग देखते हैं 26 नंबर पैराग्राफ में, क्योंकि इससे पहले जो बातें हुई रहती हैं उस बातों के हिसाब से जो नेक्स्ट पैराग्राफ मेन है उसी चीज़ को मैं टच कर रहा हूँ। देखिए 26 नंबर पैराग्राफ में देखिएगा, अब यहाँ पर क्या होता है कि जब नानू काका वहाँ से लौटते हैं, ठीक है ना, तो देयर वॉज सम टॉक अबाउट ही इज़ गोइंग एज ट्रेड कमिश्नर, तो अपने भगने से एक प्लानिंग करते हैं, देयर वॉज सम टॉक अबाउट ही इज़ गोइंग एज ट्रेड कमिश्नर, वो क्या करते हैं, कुछ बातें करते हैं, और बात करने के दौरान वाणिज्य आयुक्त बरकत अली के पास जाने की बात करते हैं, यानी कि वो ट्रेड कमिश्नर रहते हैं, कौन, हज़रत बरकत अली, यानी हज़रत बरकत अली उसी मंत्रिमंडल के अंदर वो क्या रहते हैं, वो एक ट्रेड कमिश्नर रहते हैं, बोले तो वाणिज्य आयुक्त रहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, नानू काका से उनका भगिना पूछता है, यू नो द एम्बेसडर, आप जानते हैं उस राजदूत को, बट दे से इट ऑल ऑफ नाउ, बातें समाप्त हो गई, ठीक है ना, मतलब वो कहते हैं कि बातें समाप्त हो गई, आई सेड, मतलब मैंने कहा, आई जस्ट टू मेक कन्वर्सेशन, ठीक है ना, मैंने कहा केवल बातचीत के उद्देश्य से। अब चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ, इधर बीच में जो भी पैराग्राफ है ना मैं इस चीज़ को छोड़ दे रहा हूँ, बट आप लोग इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा, ठीक है, लेकिन मैं जो भी पैराग्राफ को टच कर रहा हूँ ना वो सारा पैराग्राफ जो है ना, मतलब कहीं ना कहीं से वो क्वेश्चन के व्यू से है, इसलिए मैं डायरेक्ट जो है ना अब डायरेक्ट मैं आ जा रहा हूँ 47 नंबर पैराग्राफ पर। बिना देर के हम लोग अगला पैराग्राफ यानी 47 नंबर पैराग्राफ को हम लोग देखेंगे। चलिए 47 नंबर पैराग्राफ में क्या कह रहा है, दे स्पेयर्ड गाइडेडली अबाउट जमींदार एंड वोट एंड द वेदर फॉर ए फ्यू मिनट्स। अब देखिए क्या है, जब सोहन लाल और नानू काका के बीच मुलाकात होती है तो वे लोग ज़मींदारी पर कुछ बात करते हैं, कुछ वोट पर बात करते हैं, कुछ मौसम पर बात करते हैं, ठीक है ना, कितना, फ्यू मिनट्स यानी कुछ समय के लिए, बिफोर कमिंग टू ब्रासटेक, जब तक कि एक नई मुद्दा क्यों ना आ जाए, ठीक है ना, मतलब जब तक कि एक नया मुद्दा आ जाए तब तक वो क्या करते हैं, कुछ देर के लिए, कुछ मिनटों के लिए वे लोग क्या करते हैं, ज़मींदारी पर बात करते हैं, वोट पर बात करते हैं और वेदर पर बात करते हैं, ठीक है ना। बात ही बातों में जब नया मुद्दा आता है तो सोहन लाल कहते हैं, आई हेयर यू नो हज़रत बरकत अली, मैंने सोहन लाल नानू काका से कहते हैं, जैसे कि मैंने सुना हो कि तुम बरकत अली को जानते हो, वेल यानी अच्छे तरीके से, सोहन लाल सेड यानी सोहन लाल ने कहा, यानी सोहन लाल ने नानू काका से कहा कि मैंने सुना कि आप बरकत अली को जानते हो, विथ एन
इंग्रेटिएटिंग ग्रीन, यानी कि चापलूसी भरे शब्दों में, मतलब उनको ये जानना चाहता था कि ये कितना सच है और कितना गलत है, क्योंकि वो सही नानू काका तो बहुत लंबा चौड़ा हाँकने वाले हैं, मतलब वो खूब छींट रहे हैं, जो बातें नहीं हैं वो भी बोल रहे हैं और जो बातें हैं वो भी बोल रहे हैं, मतलब मिला जुला करके खूब दिस डैट बोल रहे हैं और बोलते हुए आगे बढ़ रहे हैं। चलिए तो अब अगला पैराग्राफ देखते हैं। तो बिना देर के हम लोग अगला पैराग्राफ यानी 48 नंबर पैराग्राफ को समझें। यहाँ पर देखिए, ओ ओल्ड एचबी, यहाँ पर क्या है, नानू का कह रहे हैं कि वो पुराना एचबी। अब देखिए यहाँ पर आपके दिमाग में एक क्वेश्चन बन रहा होगा कि एचबी का मतलब क्या, यानी कि एचबी का मतलब आपको जानना बिल्कुल ज़रूरी है और मेरा भी बताना बिल्कुल ज़रूरी। देखिए एचबी को हम लोग पूरे चैप्टर में हजरत बरकत अली के शॉर्टेस्ट नेम के नाम से जानेंगे, ठीक है ना, यानी कि जहाँ भी हम लोग एचबी देखेंगे वहाँ हम लोग हजरत बरकत अली का शॉर्ट नेम के नाम से हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो चलिए बिना देर किए आगे बढ़ते हैं। ओ ओल्ड एचबी, ये कौन कह रहा है, नानू का कह रहा है, हाउ डिड यू नो, तुम कैसे जानते हो, आई नो एचबी, कि मैं एचबी को जानता हूँ, एक्चुअली वी वेयर एट ए स्कूल टुगेदर, ऑलवेज रिगार्डेड मी एज ए शॉर्ट इल्डर ब्रदर। हम लोग तो, हम और हजरत बरकत अली, कौन, नानू का कह रहे हैं कि हम और हजरत बरकत अली हम लोग साथ में स्कूल में पढ़े हुए हैं और हमेशा से ही वो हमको एक बड़ा भाई की तरह सम्मान किया है, हमारा इज्जत किया है। रेदर टचिंग रियली, इवन टूडे ही सेल्डम टेक्स ए बिग डिसीजन विदाउट कंसल्टिंग मी, हमसे बिना कंसल्ट के, हमसे बिना राय लिए कोई बड़ा कदम नहीं उठाता है आज के भी डेट में। यानी कौन कह रहा है, नानू का कह रहे हैं कि हजरत बरकत अली आज के भी डेट में हमारा इतना इज्जत करता है कि कोई भी कदम उठाना है, कोई भी बड़ा कदम उठाना है या छोटा कदम उठाना है, हमसे बिना राय लिए वो कदम नहीं उठाता है, आज भी हमसे वो कंसल्ट करता है। When the PM offered him the embassy, जब PM ने उसे राजदूत का पद दिया, who do you think had to make up HB minds for him? अब आप ही बताइए, वो किसे कह रहे हैं, सोहन लाल से कह रहे हैं, कौन, नानू काका, कि पता है जब PM ने उसे embassy का, मैंने बोले तो राजदूत का पद दिया, तो वो लेना नहीं चाह रहा था, अब वो हमसे कंसल्ट किया और मैंने उसके दिमाग में फिट किया कि बिल्कुल ये काम तुम कर सकते हो और इस पद को लो और इस जिम्मेदारी को लो और आगे बढ़ो। तो बिना देर के हम लोग अब नेक्स्ट पैराग्राफ देखेंगे। अब हम लोग जो है बीच के पैराग्राफ को छोड़ते हुए हम लोग आगे बढ़ें और डायरेक्ट जो है ना 53 और 54 पेज को समझ लें। मेरे हिसाब से ये बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, तो चलिए इसको समझते हैं। 53 नंबर जो पैराग्राफ है, देखिए जब सोहन लाल और नानू काका के बीच बात होती है उस दौरान नानू काका ओपेंड हिज सिल्वर स्नप बॉक्स, नानू काका जो है खोलते हैं सिल्वर स्नप बॉक्स, अपना जो चांदी का बना हुआ डिबिया है उसको खोलते हैं, एंड टू केस पिंच, और एक सुंघनी लेते हैं, माने एक चुटकी खैनी लेते हैं, देन फ्लिकिंग ऑन हिज अंगोछा, एक मिनट में अंडरलाइन को हटा दूं ताकि पढ़ने में बहुत आसानी होगी, यहाँ से समझिए, देन फ्लिकिंग ऑन हिज अंगोछा ही कैजुअली मेंशन्ड द नेम ऑफ द वेलफेयर मिनिस्टर। अब देखिए वो एक चुटकी सुंघनी लिए, मैंने यहाँ से देखिए टू के पिंच, एक चुटकी सुंघनी लिए, देन फ्लिकिंग ऑन हिज अंगोछा ही कैजुअली मेंशन द नेम ऑफ द वेलफेयर मिनिस्टर। वो छींक आया तो अपने अंगोछा को अपने नाक तक लेकर के गए और उसके बाद से बात ही बातों में वो मंत्री जी का नाम ले लिए सोहन लाल के सामने, ठीक है। तो 54 नंबर पैराग्राफ में द फिक्स्ड ग्रीन ऑन सोहन लाल फेस वेनिस्ट, ठीक है। अब देखिए ऐसी बातों से सोहन लाल के चेहरे की चमक खत्म हो गई, यानी चेहरे की जो चमक थी वो पूरी तरीके से गायब हो गई। इज ही ए फ्रेंड ऑफ योर्स, नानू काका एडमिटेड, नो नॉट एग्जैक्टली। अब देखिए जब नानू काका इतने लंबे लंबे जब बात बोल रहे थे कि हजरत बरकत अली मेरे साथ पढ़ा है, मैं हजरत बरकत अली मेरे को इतना रिस्पेक्ट देता है कि बिना मेरे राय का, बिना मेरे सलाह का वो एक कदम भी नहीं उठाता है, चाहे वो कुछ भी हो जाए, ठीक है ना, हमसे मिलता है, हमसे राय लेता है, तभी जा करके वो अपने जीवन में कोई बड़ा कदम उठा पाता है। तो जब इतना लंबा चौड़ा छींट रहे हैं तो सीधी सी बात है कि उस नानू काका पर सोहन लाल को थोड़ा सा इस बात को लेकर के विश्वास हो सकता है कि हो सकता है कि कल्याण मंत्री का नाम मेरे सामने लिए, तो हो सकता है कि कल्याण मंत्री कहीं, हो सकता है कि इनका मित्र हो, ठीक है। तो चलिए यहाँ तक 54 पेज लगभग समझ लिए, अब आगे देखते हैं बातों को छोड़ते हुए डायरेक्ट जो है ना हम लोग 83 नंबर पेज पर चलते हैं, ठीक है।
डायरेक्ट जो है कि 83 नंबर पेज पर चलते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पर देखिएगा 83 नंबर जो पेज है वो है नानू काका लेफ्ट यस्टरडे। नानू काका मतलब सोहन लाल और नानू काका जब बात करते हैं तो बात वहाँ पर ख़त्म हो जाती है, ठीक है, और नानू काका अगले दिन चल देते हैं, हिज मिशन कम्प्लीट। अब देखिए यहाँ पर उनका मिशन कामयाब हो जाता है। नानू काका थोड़ा होशियार है, थोड़ा सा दिमाग लगाकर चलने वाले इंसान, क्योंकि उनका तो मेन टारगेट है मंत्री जी से मिलना, ठीक है। लेकिन इस कहानी को पूरा पढ़ लीजिए, आपको नहीं पता चलेगा कि नानू काका मंत्री जी से क्यों मिलना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन बहरहाल हम लोग आगे बढ़ें इसी तरीके से। देखिए नानू काका लेफ्ट यस्टरडे, नानू काका सोहन लाल से बात करके मतलब कल चल दिए, ठीक है ना। अब वहाँ पर क्या होता है कि हिज मिशन एकम्प्लिश्ड, उनका मिशन जो है ना कामयाब हो गया। कैसे कामयाब हो गया, यहाँ पर मिशन कामयाब हो गया तो मिशन एकम्प्लिश्ड यानी मिशन जब कामयाब हो गया तो थोड़ा सा यहाँ पर समझने वाली बात है और गौर करने वाली बात है कि कैसा मिशन कामयाब हो गया। तो यहाँ पर जब सोहन लाल, देखिए इसके पहले वाले पैराग्राफ में हमने समझा है कि जब सोहन लाल और नानू काका जब आपस में बात करते हैं तो सोहन लाल इस बात को बताया हुआ रहता है नानू काका से कि हम अपने बेटे की शादी कल्याण मंत्री की बेटी से करना चाहते थे, बट कल्याण मंत्री ने अपने बेटी की शादी मेरे बेटे से नहीं किया, और उसने क्या किया कि निन्नौर के राजकुमार से अपने बेटी की शादी तय कर दिया, इसलिए मैं उनसे नाराज हूँ। जैसे ही ये बात मालूम चलता है नानू काका को दिमाग के तेज निकले, सोचा कि अब चलो, अब तो मुझे बीच में किसी की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट मैं क्या है कि कल्याण मंत्री के घर जाऊंगा और बोलूंगा कि मैं निन्नौर के राजकुमार से जो आप शादी जो तय किया अपने बेटी का, मैं उसी के पड़ोसन हूं, मैं आया हूं मिलने के लिए आपसे, तो कोई भी हमको मिलवा देगा। तो चलिए अब आगे देखते हैं। यहाँ पर उनका मिशन कामयाब होता है, ठीक है ना, हिज मिशन एकम्प्लिश्ड। आई नेवर फाउंड, अब देखिए यहाँ पर लेखक कह रहे हैं, आई नेवर फाउंड आउट व्हाट इट वॉज डैट ही वॉन्टेड टू सी द मिनिस्टर अबाउट। अब देखिए यहाँ पर लेखक भी कंफ्यूज है कि मुझे नहीं पता कि ये मेरे नानू काका मिनिस्टर से किस लिए मिलना चाहते थे या मिलना चाहते हैं, ठीक है। ऑल्सो आई वंडर व्हाट इज गोइंग टू हैपन व्हेन द मिनिस्टर डिस्कवर डेट माय अंकल हैज़ नेवर बीन विद इन 100 मील्स ऑफ ए प्लेस कॉल्ड निन्नौर। अब ज़रा सोचिए, अब इनको लेखक को थोड़ा सा इस बात को शक हो रहा है कि मेरे मामा इतना छींटू, कहीं ना कहीं से बहुत सारे बात को एक जगह बना करके, बहुत सारे बातों को इकट्ठा करके बनावटी बात बोल करके किसी को मूर्ख बना रहे हैं और अपने आप को थोड़ा सा लेवल बढ़ाने के लिए न जाने कितनी अनाप शनाप बातें को एक साथ जोड़ करके और अपने आप को ऊंचा दिखाने के लिए बहुत सारी बातें बोल दे रहे हैं। हो ना हो कहीं बात ये बात इनके दिमाग में आ गई कि कल्याण मंत्री अपने बेटी की शादी जो है निन्नौर के राजकुमार से किए हैं, कहीं हो ना हो कि ये बातें जाकर बोल दे कि हम निन्नौर के ही रहने वाले हैं और बाद में मालूम चले कि लो ये दिल्ली के ही कहीं आसपास के रहने वाले हैं, तब तो मेरा तो खटिया खड़ा हो ही जाएगा, ठीक है। तो इस बात को लेकर के ये जो है लेखक बहुत परेशान हो जाते हैं, ठीक है, और इसीलिए यहाँ पर लिखा है कि आई वंडर, मैं बहुत मतलब इस बात को लेकर के चिंतित हूँ, व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन व्हेन द मिनिस्टर डिस्कवर, क्या होगा जब मिनिस्टर इस बात को लेकर के खोजेगा, डैट माई अंकल हैज़ नेवर बीन विद इन 100 मील्स ऑफ ए प्लेस कॉल्ड निन्नौर। अब ज़रा सोचिए कि मेरे अंकल मैंने बोले तो मेरे नानू काका का निन्नौर से मिले दूर तक का कोई रिश्ता नहीं है, अगर इस बात का खोजी कल्याण मंत्री ने कर दिया तब तो मेरा वाट लग गया, ठीक है, क्योंकि मैं तो खुद दिल्ली के रहने वाला हूँ और उन्हीं के मंत्रिमंडल में खुद मैं काम करता हूँ। ऑल्दो आई एम नाउ कन्विंस्ड डैट नानू काका विल डील विद द सिचुएशन विदाउट अलाउंग ए सिंगल फोल्ड ऑफ हिज अंगोछा टू फॉल ऑफ ए प्लेस। अब ये कह रहे हैं कि चलिए मेरे नानू काका भी तो बहुत चालाक हैं, जब इतनी बातें बना ले रहे हैं, ठीक है, इतनी लंबी चौड़े बातें बना करके अपने आप को ऊंचा दिखा ले रहे हैं, तो हो सकता है कि ऐसी बात कहें और मंत्री जी के बीच और इनके बीच अगर कुछ बातें हों, अगर इस चीज़ का खोजी भी करेंगे तो मेरे नानू काका जो है ना इस बात को खुद से ही डील कर लेंगे, माने ऐसी जब सिचुएशन कोई आएगी तो मतलब डील कर लेंगे। अब ये देख रहे हैं कि बिना माने अंगोछा माने एक ही फोल्ड अंगोछा को खोले हुए रहते हैं और बात एक कतार में चल रही है, ठीक है, और बात रुक नहीं रही है, तो ये मन ही मन लेखक सोच रहे हैं कि हो सकता है कि बात कोई भी हो, कितना भी बात फंसे, मेरे नानू काका किसी भी तरीके के बातों को मतलब डील कर लेंगे, मंत्री जी से बात करने के दौरान ये बैठे बैठे सोचते हैं।
अब अगला पैराग्राफ जो दिया हुआ है वो है 84 नंबर और लास्ट है, ठीक है ना। ओनली व्हेन इट हैपेंस, लेखक कहते हैं कि जब ऐसा हो, आई वांट टू बी समवेयर फार आउट ऑफ रेंज, जब ऐसा हो तो मैं चाहता हूँ कि उन बातों से बहुत दूर ही रहूँ तो ठीक रहेगा, क्योंकि नानू काका और मंत्री जी के बीच बात होगी और नानू काका तो छींटू हैं, वो तो तरह तरह की बात करेंगे। कल्याण मंत्री इस बात को खोजेंगे कि निन्नौर में आप किधर रहते हो। मैं राजकुमार से अपने बेटी का अगर शादी किया हूँ तो मेरी बेटी के घर के आप पड़ोसन हैं कि क्या हैं कि नहीं हैं, इस तरीके की कोई भी बातें आएगी या बाद में पता भी चले कि ये दिल्ली के ही रहने वाले, ये बात झूठ बोलें कि मैं निन्नौर के राजकुमार के पड़ोसन हूँ, तो इस तरीके की कोई भी बातें क्रिटिकल होगा मेरे नानू काका खुद हैंडल कर लेंगे और मैं चाहता हूँ कि इन बातों से दूर ही रहूँ तो बेहतर रहेगा। मुझे पता है कि जिस पैराग्राफ को मैं स्किप करके समझाने की कोशिश किया, उम्मीद करते हैं कि वो आपको समझ में आया होगा और थोड़ा बहुत समझने में दिक्कत भी हुआ होगा, आप बढ़िया से नहीं समझे होंगे। तो अंत में मैं सबकी भूमिका की बात करूं तो शायद आपको ये बात समझ में आ जाए, क्योंकि आपके दिमाग में ये खटक रहा होगा यार सोहन लाल कौन है, रति राम कौन है, और सोहन लाल और रति राम की इसमें कौन सी आवश्यकता पड़ गई, फिर हज़रत बरकत अली क्या मतलब, ठीक है ना। तो आप लोगों को मैं यहाँ पर पूरा बढ़िया से समझा देने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, ए पिंच ऑफ स्नॉफ जिसके राइटर कौन है, मनोहर मालगोंकर जी, ये खुद लेखक भी हैं और ये इसमें किरदार भी निभा रहे हैं, ठीक है। नानू काका जो है ना राइटर के मामा हैं, राइटर के मामा कौन है, नानू काका, ये बातें क्लियर हो गई, ठीक है। अब यहाँ पर राइटर की माँ भी रहती है, राइटर्स मदर, यानी राइटर की माँ भी रहती है। अब सोहन लाल की बात करें और रति राम, तो देखिए सोहन लाल का बेटा रति राम रहता है, ठीक है। और हज़रत बरकत अली भी हैं जो ट्रेड मिनिस्टर हैं, और इनको शॉर्टकट नेम HB के नाम से भी हम लोग पूरे स्टोरी में HB के नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो देखिए नानू काका क्या करते हैं, वेलफेयर मिनिस्टर के लिए नानू काका क्या करते हैं, वेलफेयर मिनिस्टर से मिलने के लिए दिल्ली आते हैं, ठीक है ना। और राइटर मनोहर मालगोंकर जी नानू काका को रिसीव करने के लिए रेलवे स्टेशन जाते हैं, ठीक है ना, लेकर के आते हैं। तो राइटर क्या करते हैं, राइटर्स की मदर के ज़िद पर, यानी बोले तो लेखक की जो माँ है, माँ के ज़िद पर वो राइटर क्या करते हैं, नानू काका को मंत्री जी से मिलवाने के लिए लेकर के जाते हैं। वहाँ नहीं मिल पाते हैं तो नानू काका खुद कहते हैं कि अब तुमसे ये काम नहीं हो पाएगा तो मुझे सोहन लाल के पास लेकर चलो। तो सोहन लाल के पास जाते हैं तो सोहन लाल क्या होता है कि वो भी नहीं मिलवा पाते हैं, ठीक है। तो फिर ये डायरेक्ट जो है ना सोहन लाल के पास जा करके हज़रत बरकत अली के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, और हज़रत बरकत अली के पास जब ये डिस्कस करते हैं वहाँ से भी बात नहीं बनती है तो वो क्या होता है, वेलफेयर मिनिस्टर के पास खुद ही चले जाते हैं मिलने के लिए। और अंततः नानू काका को खुद से ही सेल्फ डिपेंडेंट होकर के ये वेलफेयर मिनिस्टर तक कई तरीके की चापलूसी वाली बात करते हुए, यानी कि सोहन लाल से सोहन जय हिंद। क्या आपको पता है इस चैनल पर लगभग सारे सब्जेक्ट की तैयारी कराई जा रही है, तो क्यों ना इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि वीडियो अपलोड होने के बाद इसका नोटिफिकेशन सीधा आप तक पहुंचे। सोहन लाल से बात करते हुए और उनसे होकर गुजरते हुए हजरत बरकत अली का डिस्कस करते हुए डायरेक्ट वेलफेयर मिनिस्टर पहुंच जाते हैं। तो आशा करते हैं कि इस कहानी में जितने भी लोग हैं उनकी कौन कौन सी किरदार है, कौन कौन से काम है, ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।